अगर आपने सप्लीमेंट लेकर के या कोई भी मास गेनर लेकर के अपना वेट बढ़ाया है, चाहते हैं उसको मेंटेन करना कि भैया सब कुछ कर लिया हमने, वेट मेंटेन नहीं रहा, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपना जो बढ़ा हुआ वेट है उसको मेंटेन करें और अपनी बॉडी को फिट और तगड़ा रखें। वीडियो पूरा देखें, अभी आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, यदि मैं आप लोगों से बात करूँ कि भैया वेट मेंटेन कैसे रखें, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पीछे आपको दीवार दिख रही है, इसको बनाने के लिए लगी होगी क्या ईंट, ईंट सीमेंट, उसके ऊपर पीओपी, उसके ऊपर पेंट, है ना। इतना सिंपल, कहने में कितना छोटा सा लगता है पर चीज़ें बनाने में और जैसे तैसे करने में बहुत मेहनत लग जाती है ना। सेम यही कंडीशन है आपकी शरीर बनाने में। जैसे अगर मैं शरीर बना रहा हूँ, क्या करते हैं, प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर टाइम पे खाना, खूब सारा खाना, अगर आपको वजन बढ़ाना है सप्लीमेंट लेना वो भी एक एड ऑन हो गया, पानी पीना टाइम पर, प्रॉपर रिकवरी, प्रॉपर वर्कआउट, इतनी मेहनत कर रहे हैं तब जा करके 5-10 किलो वजन बढ़ पाता है। और उतनी मेहनत के बाद 5-10 किलो वजन बढ़ाना ऐसा चुटकियों का काम नहीं लगता भाई, पसीने छूट जाते हैं उसमें। हेल्दी वेट गेन करो, अगर गंद बढ़ाना है शरीर में तो कुछ भी खा लो उल्टा सुलटा, बीमार पड़ जाएंगे, पेट फूल जाएगा और वो चर्बी वाला वजन खराब होता है। अगर आप हेल्दी वेट गेन करते हैं, थोड़ा फैट थोड़ा मसल, वो हेल्दी होता है। अब उसी वेट को मैं मेंटेन करने की बात करूं, देखिए ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इतनी सारी चीजें लग करके दीवार आपकी तैयार होती है, इसकी मेंटेनेंस के लिए क्या लगता है, पेंट करते हैं 2-3 साल में। जब भी हमारी एक साल में दीवार गंदी होती है, कुछ होती है, हर साल हम पेंट करते हैं इसकी मेंटेनेंस के लिए। ठीक इसी तरीके से हमारी शरीर के लिए भी मेंटेनेंस लगता है। मेंटेनेंस क्या लगता है, हमारा खाना। अब बोलेंगे भाई खाना तो खा करके वजन बढ़ाया, अब क्या करना। भैया खाने का मतलब मेरे ये है, जितना आपने बढ़ाने के लिए शरीर को खाया, एग्जाम्पल के लिए आपने 6 किलो बढ़ाने के लिए इतना सारा खाया, अब उसी 6 किलो को मेंटेन करने के लिए, अब दोस्तों उसी 6 केजी को मेंटेन करने के लिए आपको उतना खाना खाना पड़ेगा। आपको बात कड़वी लगेगी पर ये सच है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि भैया हमने तो 6 किलो 7 किलो बढ़ा लिया, अब क्या करना, अब तो छोड़ देते हैं, कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो बचेगा वजन, अगर हमने 10 किलो बढ़ाया तो, अगर हमने डाइटिंग छोड़ी तो कुछ तो बचेगा। भैया 10 किलो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, जितनी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होगी ना, कैलरी स्टोर होगी, सब चली जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आप मानिए जो चीज़ आपने जैसी बढ़ाई है, जैसे खा करके बढ़ाया है, फैट की बात अलग है, मसल की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपने 5-10 केजी मसल बढ़ाना, बहुत बड़ी बात है, ऐसे 5-10 किलो मसल नहीं बढ़ता, 5 केजी चलो आपने साल भर में मसल बढ़ाया, नए हैं अगर आप, फ्रेशर हैं, 5 केजी बढ़ जाता है साल में, कोई बुरी बात नहीं है। 5 केजी शुरुआत में बढ़ जाता है, एक साल में मैक्सिमम पोटेंशियल है, बढ़ गया ठीक है, वैसे साल भर में 200-300 ग्राम 400 ग्राम ही मसल बढ़ता है साइंस की रिसर्च के अनुसार। तो भैया इसको मेंटेन करने के, जितना प्रोटीन आपने खाया था, कार्बोहाइड्रेट खाया था, उनको सबको खाना होगा। एग्जांपल के लिए अगर आपने 200 ग्राम पनीर खाया था, इसको बढ़ाने के लिए तो इतना मेंटेन रखने के लिए खाना पड़ेगा। अगर आप इससे आगे आपको बढ़ाना है 5 केजी 6 केजी से आगे, तो भैया जब आप अपने खाने की डोज बढ़ाएंगे तब आपकी बॉडी में वो बढ़ेगा। बहुत से लोग कहेंगे भाई हमने तो सब छोड़ दिया, हमारी बॉडी में, बॉडी तो एकदम वैसी की वैसी, हमारी बॉडी तो उतनी बड़ी है। भैया मसल्स जो है ना वो बॉडी के अंदर होते हैं, स्किन के ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये सब जो पिंच हो रहा है ये सब फैट है। और बॉडी में अगर आप टाइट कर लें, ये सब चीज़ जैसे आपको दिखे, ये थोड़ी बहुत जितने में थोड़े बहुत बाइसेप हैं, ये सब दिख रहे हैं जो दब नहीं रहे, थोड़े बहुत दब रहे हैं, ये हैं मसल्स। तो ये मसल्स बहुत जल्दी चले जाते हैं, आपको दिखते नहीं है, स्किन के अंदर होते हैं। अगर आपकी बॉडी पे फैट ऊपर आ जाते हैं तो विजिबल नहीं होता, आपके मसल का साइज चला जाता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत चला जाए, क्योंकि आप जिम करते रहते हैं तो आपकी बॉडी में साइज दिखेगा थोड़ा बहुत, पर उतनी फुलनेस नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को आप समझें कि अगर आप लोग अपनी बॉडी में जितना साइज है उतना मेंटेन करना चाहते हैं, हेल्दी वेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो भैया यहाँ पर आपको अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल बेसिक रूल है, आप किसी एथलीट से पूछेंगे ना, बताता इसलिए नहीं है क्योंकि पता है भाई वो बताएगा उसका खुद का सर दर्द हो जाएगा, इतनी गहरी चीज़ है, वो अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर पाता। 20 इंच का डोला मेंटेन करना किसी का बना है, आफत आ जाती है, उससे पूछे जो मेंटेन कर रहा है, बहुत भयंकर रहता है वो चीज़। तो यही रियलिटी है दोस्तों, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। जो मैंने चीज़ें बताई इसको अप्लाई करें अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, अगर नहीं मेंटेन करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, एक जानकारी के लिए आपके पास तक चीज़ें सारी पहुँच गई। बाकी उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपको जो जानकारी दी आपके पास तक पहुँची होगी। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।